पास चला, इसकी भेंट कह रहे हैं। उस सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है। और मुझे बहुत स्पष्टता है, ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय, अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35 ए पर बहुत सारी बातें करी, मगर ज्यादातर बातें टेक्निकलिटी पर करी। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है वो किसी ने नहीं बताया। मगर मैं सबसे पहले सब चीजों को मैं डील करूंगा सभापति महोदय, परंतु सबसे मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। धारा 370 के रहते मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, कि अभी बताया कि 35 और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, उदाहरण देकर मान्यवर, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रत्ना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या है उनके साथ अन्याय नहीं, अन्याय है या नहीं। और देश में क्या हुआ,